जय माता रानी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा सदैव लगाते रहिए, माता रानी सदैव आपका कल्याण करिए। तो दोस्तों, सभी के मन में एक प्रश्न आता है, क्योंकि इस बारे में कई सारे विचार देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ भक्तजन कुछ कहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। तो दोस्तों, जब हमने माता रानी की स्थापना की है, घट स्थापना की है, ज्वारे रोपे हैं, कलश स्थापना की है, और कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है, उस नारियल का हमें क्या करना है। कुछ भक्तजन कहते हैं कि हमें इस नारियल को तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कुछ भक्तों का ये मत होता है कि ये स्वयं माता का स्वरूप होता है, तो हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, इसे ऐसे ही प्रवाहित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्र क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रों के अनुसार सही बात क्या है। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पूरा देखें, नहीं तो कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट सकती है और बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी, और उसके बाद आप फिर कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछेंगे। तो कोई भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप उसे बहुत ही ध्यान से सुना करें, देखा करें दोस्तों कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू कर देते हैं दोस्तों जो हम कलश स्थापना करते हैं नवरात्रों में, उसके ऊपर जो नारियल रखते हैं उसको श्रीफल कहते हैं। इसे ज्वारों के साथ हमें विसर्जित कर देना चाहिए या फिर इसे हमें खोलकर खा लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूँ कि ये जो हम कलश की स्थापना करते हैं, तो ये साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप होता है। इसके समक्ष आपने पूरे 9 दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया है। इस खेतरी को आपने पूरे 9 दिन तक सींचा है। कलश पर रखा नारियल का नाम ही श्रीफल होता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और फल का अर्थ होता है लक्ष्मी का फल। लक्ष्मी का फल, जितने भी 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना सेवा आपने की है, मंत्रोच्चारण किया है, उस संपूर्ण साधना का ये फल है। इसमें आपकी 9 दिन की तपस्या का आशीर्वाद समाहित है। जो हमने 9 दुर्गा की स्थापना की थी, ये उस पूजन का फल है। तो यह हमें विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपको माता रानी ने फल दिया और आपने उस फल को विसर्जित कर दिया, तो ये तो ठीक नहीं है। इसे पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीफल में 9 दिन की भक्ति की शक्ति समाहित हो जाती है। इसे ग्रहण करने के बेहद चमत्कारी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ लोगों का मत है कि इसे विसर्जित कर देना चाहिए, परंतु यदि एक साथ देखिए सभी लोग इसको विसर्जित करेंगे तो हमारी नदियाँ कितनी दूषित हो जाएंगी, और नारियल का एक तरीके से वेस्टेज तो है ही। साथ ही साथ हम उसे ऐसे विसर्जित करने से तो अच्छा है हम उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो हम जो भी पूजन सामग्री का हम विसर्जन करें, वो एकदम विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। जिस भी सामग्री को हम उपभोग कर सकें, उसका हमें उपभोग करना चाहिए। स्वयं नहीं करना चाहते हैं तो किसी और को दान दे दें, या फिर ऐसे करें रीयूज़ कर सकते हैं तो रीयूज़ करना चाहिए। तो बहुत ही कम, जिसका हम उपयोग ही ना कर सकें, उस ही सामग्री का हमें विसर्जन करना चाहिए। और एक बात और, नदियों में विसर्जन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल क्या ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो पृथ्वी माता है वो दूषित तो होती जा रही है। एक भाई मेरे कमेंट कर रहे थे कि विसर्जन से तो प्रदूषण नहीं होता है उससे, तो और साफ होता है। तो मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। लेकिन आप अगर आपको कुछ सामान विसर्जित करना भी पड़े तो आपको भूमि विसर्जन करना चाहिए। भूमि विसर्जन क्या होता है, भूमि में कोई भी गड्ढा खोदें, उसमें सामग्री को दबा दें, तो इसे भूमि विसर्जन कहते हैं। तो दोस्तों, नदियों को बिल्कुल भी हमें दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी माता हैं। जैसे दुर्गा माँ हमारी माता है, वैसे नदियाँ भी हमारी माता हैं, और ये पृथ्वी माता भी हमारी माता हैं। तो इससे अच्छा है कि जो भी भोग प्रसाद है उसे ग्रहण कर लिया जाए। अगर आप श्रीफल को विसर्जित कर रहे हैं, तो आपने 9 दिन तक जो भी साधना पूजा की है उसके फल को आपने विसर्जित कर दिया। 9 दिन का पूजन होने के पश्चात और मंत्रों के प्रभाव से ये नारियल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसे परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए।
बस ध्यान रखिए कि इस नारियल का जो प्रयोग है वो सब्जी आदि बनाने में नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हमारे यहाँ पर तो दोस्तों इस नारियल को खोल करके नवमी के दिन पूजन के पश्चात इसे खोल करके और जो हम छोटा हवन करते हैं अग्यारी करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अर्पित किया जाता है और कन्याओं को भी बांटा जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। इसके जल का हम खोल करके इसके जल का थोड़ा सा माता रानी को छींटा देते हैं, घर में छींटा देते हैं और फिर उसके बाद इसका उपभोग कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।